गुड मॉर्निंग गाइस, मैं नींद से उठा 9 बजे को, उसके बाद फ्रेश हुआ, लेकिन भूख लगी, अब तक खाना नहीं खाया। ये रहा मेरी जान, तुम सोए ना? अब मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। थोड़ा गंदा हो गया है, कोई बात नहीं, घर जाकर साफ कर दूंगा। इसको सर्विसिंग भी आ गया है, फर्स्ट सर्विसिंग 500 में करना था, 500 तो क्रॉस हो गया, और घर जाते जाते आई थिंक 700 हो जाएगा, तो घर पहुँचते इसको सर्विसिंग में दे दूंगा। ब्रेकफास्ट हो गया, अभी ब्रेकफास्ट किया हम लोगों ने, तो हमारा टाइम हो गया जाने का। इस सुंदर से अति सुंदर रिसोर्ट को छोड़ के जाना पड़ेगा हम लोगों को, घर जाना पहाड़ से। जितने जल्दी हो सके हम लोग नीचे जाएंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो सब कुछ पैक हो गया, मेरा सब कुछ पैक हो गया, अब सीधा बाइक के सामने जाएंगे, ये सब लोड करना है बाइक में, तो उसके बाद आप लोगों से फिर से मिलते हैं, ठीक है? चलो बाइक के सामने जाते हैं। सो फाइनली वी आर लिविंग इन दिस होटल। भैया तो चलते हैं, फिर से आऊँगा। सो फाइनली हम लोग यहाँ से जा रहे हैं
फाइनली पहुंच गया, डेंजर जोन क्रॉस हो गया। माय गॉड, ओह थोड़ा रुकता है, बाबाईदा और अभी तक नहीं आया, उनके लिए रुकता है, उसके बाद आते हैं। तो डेंजर जोन क्रॉस हो गया, अब हम जा रहे हैं देखते सामने कौन सा थ्रिल हम लोगों के लिए वेट कर रहा है। इस रोड में ना एक बात ABS का बहुत बहुत फायदा है, लेकिन बजाज ने सब कर दिया इस गाड़ी में, सब कुछ दे दिया, सब कुछ जो जो चाहिए सब कुछ दे दिया, सिवाय एक के वो है ABS स्विच ऑन ऑफ, ये देना था बजाज को शायद अगले अपडेशन में दे देगा। तो हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और विवेक भैया का पूरा मोबाइल चेक करेगा, क्योंकि यहाँ पर आते समय मोबाइल का एक इशू हो गया था, और अभिरूप भैया का एक सॉकर का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है चढ़ाई करते समय, वो बोल रहा है कि उसका सॉकर ठीक से काम नहीं कर रहा है, मुझे तो लग रहा है शायद थोड़ा पत्थर वत्थर के हीट करने से सॉकर थोड़ा ढीला हो गया, इसलिए वो शायद प्रॉब्लम कर रहा है, अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ है क्या नहीं हुआ है। फाइनली अभिरूप भाई का बाइक का काम हो गया, लेकिन वो जो चाहते थे एक्चुअली उसका मेंटली सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, वो सोच रहा है कि बाइक का सॉकर जो वो ठीक से नहीं काम कर रहा है, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि सॉकर ठीक ही है, क्योंकि मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस है RS में, क्योंकि RS मेरा था ABS वर्जन, तो देखते हैं क्या।
देख रहे हैं आप, वो कौन है, वो कौन है? देवों का देव महादेव, बोलो पोल बोम, हर हर महादेव। महादेव के करीब ही जा रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है। और हम लोगों को नीचे उतरना पड़ेगा। तो नहीं है ये, क्या है ये मुझे भी पता नहीं। तो हम खड़े हैं एक नदी या झरना बोलो, क्या बोलो आप लोग, देखो इसके सामने खड़े हैं। रीज़न सुनोगे आप लोग? रीज़न बोलो। रीज़न ये है कि भैया लोगों को लग गया है गर्मी, बहुत गर्मी। एक मिनट टाइम लेता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे तो। हाँ आप ठीक है। तो बहुत गर्मी लगने के लिए वो लोग अब नहाएंगे इस झरने के अंदर, झरने में वो नहाएंगे इस झरने में। फाइनली मैं कहाँ पढ़ूँ, देखना चाहोगे? ये देखो, ये देखो, यहाँ से चल पड़े सब लोगों का नहाना हो गया। घूम है 8 किलोमीटर, कर्शियंग है 35 किलोमीटर और सिलीगुड़ी है 80 किलोमीटर। तो रात तो बहुत हो गया है, अब देखते हैं कि घर जाएंगे या नहीं जाएंगे। हाय फ्रेंड्स, तो मेन प्रॉब्लम ये है कि प्लान में थोड़ा चेंजेस हुआ है। ये चेंजेस हुआ है कि हम लोग कुछ भी यार शायद नहीं जाएंगे आज, क्योंकि रात हो गया है। तो अगर अब जाएंगे तो रात को थोड़ा बाइक राइडिंग सेफ नहीं है, तो इसलिए हम लोग दार्जिलिंग में ही रुकेंगे आज। तो आपसे होटल में मुलाकात होगी, होटल में जाते हैं, जाकर आपसे बात करते हैं, ठीक है? तो फाइनली किसी को खींचने के बाद और किसी का गाड़ी टूटने के बाद हम लोग अभी एक होटल में खड़ा है। होटल का नाम क्या है? माउंटेन होमस्टे। बहुत अच्छा होटल है। यहाँ पर देखिए एक बैलकोनी है, बहुत खुला हो बैलकोनी है। यहाँ पर फॉग ज़्यादा है, ठंडी भी लग रही है। तो देखिए पिज्ज़ा ऑर्डर किया हुआ है, चीज़ पिज्ज़ा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जिस होटल में रुके थे उस होटल का व्यू देखना चाहोगे? देखो व्यू, फिर देखो पूरा फॉग है। सो चाय पीना हो गया तो सब अब रेडी हो रहा है। भैया भी, बाबाईदा भी रेडी हो गया, वो बैठ के थोड़ा अपडेट कर रहा है मोबाइल पे। और हमारा आरिस जो है ना अभिरूप भैया, वो भी तैयार हो गया है। सब कुछ रेडी हो गया। सुबोधी ब्लॉक कर रहा है।
और विवेक भैया कुछ बातचीत कर रहा है होटल के वो जो ओनर है उसके साथ, तो मैं भी रेडी हूँ। तो अब जाने का टाइम आ गया, आप लोगों से एकदम मिलते हैं बाइक के सामने, तो चलो। हेलो, तो अरे क्या हुआ बाइक को, सो वी आर लीविंग नाउ इन दिस होटल। हम लोग जा रहे हैं अभी, मतलब बहुत तेज़ बारिश हुआ। तो इस वक्त हम लोग कर्शियंग से थोड़ी दूर पर खड़े हैं, इस जगह का नाम मुझे नहीं पता, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर तीन जन हैं, मैं, शुभदीप और विवेक भैया, और अभी बाबाईदा का जो हिमालयन का पीछे का टायर पंक्चर हो गया है, तो वो वहाँ पर अभिरूप भैया और बाबाईदा वहाँ पर खड़ा है, ठीक है। तो उसका पंक्चर शायद ठीक हो गया है अभी, ये बोल रहा था अभिरूप भाई, बोल रहा था, फ़ोन किया था, उसने बोला कि ठीक हो गया है। तो ठीक होने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा है, बहुत ही ज़ोर से बारिश हो रहा है, तो हम लोग निकल नहीं पा रहे हैं। तो कब घर जाएंगे ये तो नहीं पता, कब घर जाएंगे। तो फाइनली 2 घंटे के बाद बारिश थोड़ा कम हुआ और बाबाईदा और अभिरूप भैया भी अब आए। करीब करीब 2 घंटा कांस्टेंट हम लोग दुकान में बैठे रहे, बारिश भी नहीं कम रहा था और उन लोगों का भी नहीं हो रहा था। तो फाइनली बारिश रुका, लेकिन विजिबिलिटी एकदम ज़ीरो है, देखिए आप लोग, विजिबिलिटी एकदम ज़ीरो है, एकदम ज़ीरो, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो सिचुएशन बहुत ख़राब है, बाहर बहुत ही स्लोली जाना पड़ रहा है। I love Kashyam. Oh my god. Yeah, view dekho. Awesome view. Hello guys. So finally reached Kochbihar. Itne der tak vlog nahi kar paya kyunki bahut barish ho raha tha. Camera main risk nahi liya camera nikalne ke liye. So camera andar hi tha. तो अभी पहुंचा कुछ भी में, अभी बजे है 11:30, तो घर जाएंगे फ्रेश होंगे। और तो ये रहा मेरा पहला ट्रिप। तो अगर आप लोगों को मेरा ये ट्रिप अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करना, अगर अच्छा लगा तो कमेंट करना, अगर कोई गलती किया तो कमेंट भी करना, ठीक है। और प्लीज़ सब्सक्राइब करोगे तो हम मुझको एनर्जी मिलेगा और थोड़ा ब्लॉग करने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब, डू सब्सक्राइब प्लीज़। चलो बाय, गुड नाइट।